तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से जीएसटी रोल राइड उसमें, और आज हम आपको दिखाने आए हैं फॉर्च्यूनर। हाँ दोस्तों, आज आपके सामने है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। तो ये देख रहे हैं आप इसके लेदर सीट्स, ये देख रहे हैं इसकी अपन साइड इसकी सीट्स, और ये है इसकी सबसे फास्ट और इसकी सबसे तेजी रफ्तार जो इंडिया में गाड़ी मानी गई है सबसे बेस्ट और सबसे टॉप मॉडल की कार। तो ये है हमारी न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसको कंपेयर किया गया है इनोवा क्रिस्टा से। जी हाँ दोस्तों, इसको कंपेयर किया गया इसकी स्पीड, इसका इंजन और इसका मतलब जो भी इसकी पावर है और सब इसके कंपेयर किया इनोवा क्रिस्टा से। तो ये इसकी बात की है तो अगर ये इसके पहाड़ी इलाका या फिर ऑफ रोड इलाका बारिश में फॉग्स में ये बड़ा आसानी से उस रोड पर चल लेती है। तो ये है हमारी फॉर्च्यूनर। अगर इसकी सीट की बात की जाए तो ये 7 सीटर कार है, टर्बो का इंजन है, ये टोयोटा की सबसे बेस्ट कार मानी गई है। और ये अगर आपको बोला है तो टूर के लिए सबसे बेस्ट कार है, डिजिटल कार, स्मार्ट लोकेशन कार। और अगर ये इसको पानी और या फिर सिर्फ और इसके टायर की बात की जाए तो इसके टायर बहुत बड़े हैं। अगर इसके बाद इसमें आपको मिलते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स, रियर में आपको मिलते हैं स्पीड ब्रेक्स और ऑफ रोड में भी इसकी स्पीड ब्रेक्स है। इसकी ब्रेक की बात की जाए तो ब्रेक भी बहुत अच्छा है। इसके बूट स्पेस की बात करें बूट स्पेस भी बहुत पावरफुल है। और अगर हम इसकी सीटों की बात करें एकदम लग्जरी सीट मिलती है, लग्जरी आपको सब कुछ मिलता है इसके अंदर। हम इसके लिए फॉग लैंप्स की बात किया है तो आपको 7 फॉग लैंप्स मिलते हैं अपन साइड रियर में भी और आगे में। इसके फॉग लैंप्स की बात की अगर हम आपके लिए तो आपको इसमें पीछे मिलते हैं टेल लाइट्स, आगे मिलते हैं फॉग लैंप्स और रियर में मिलते हैं आपको टोयोटा का स्टाइल लोगो। तो ये थी हमारी ये क्रिस्टा की फॉर्च्यूनर। और अगर हम उसकी बात की तो गड्ढों और ये पहाड़ी इलाकों को बड़े आसानी से पार कर लेती है। स्पीड में बहुत बेहतरीन स्पीड रखी गई है इसकी। और यहाँ पे बात की जाए इसकी अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात की है तो ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ऊंचा है। और ये इसकी टॉप स्पीड इसकी। और जैसे कि हम यहाँ पे देखा आपको हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस आपको मिलता है, इसमें आइडियो मोड, यूएसबी मोड, एयूएक्स मोड उसको आपको मिलता है, अपन साइड में आपको मिलता है इसका जो एसी यूनिट्स होते हैं आपको पूरे रियर से लेकर आगे तक आपको मिलते हैं, पूरे 7 एसी यूनिट्स मिलते हैं। जैसा कि आपको देखा जा रहा है कि यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे सारे फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आगे यहाँ पे आपको मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील पर प्लस एंड माइनस फंक्शन, यहाँ पे मिलता है आपको USB कनेक्शन, मिलता है आपको 120 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। और ये मिलता है आपको, ये देखिए ये है 120 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे मिलता है आपको एक रिमोट, यहाँ पे मिलता है आपको पीछे की बात की है तो रियर में भी आपको एक मिलता है दो, इस कार में पूरे 4 AC मोड है। और यहाँ मिलता है आपको AC बटन, ऑडियो बटन और रेडियो बटन। यहाँ देख रहे हैं इसके अपन साइड आपको AC इवेंट्स मिलते हैं, आपको विंडोज में AC इवेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको AC इवेंट्स कंट्रोल करने का, क्या इसके मतलब आप इसको होल्ड या फिर इसको अगर आप कोल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर इसकी सीट की बात की जाए तो बहुत कंफर्ट सीट मानी गई इसकी। सीट की बात की जाए तो आपको मिलती है आपको पीछे लेदर सीट्स, आगे में भी आपको मिलती है लेदर सीट, आपको मिलता है सीटों में हेड होल्डर, यहाँ पे मिलता है आपको AC विंड्स कंपेयर। पीछे की तरफ देखा जाए तो पीछे की तरफ आपको मिलता है आपको AC विंड्स, आपको मतलब की हर रो में आपको 2 AC विंड्स दिए गए पूरे। इसमें 3 रो है, 3 रो में आपको 7 सीटर्स मिलती है। और ये है इसका लग्जरी लुक। यहाँ पे इसके अगर स्पीड की बात की जाए तो मिलते हैं टॉप स्पीड, जैसे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रही है टॉप स्पीड। ऑटो फंक्शन में फॉर्च्यूनर का लोगो जिसे आप इसका इंजन स्टार्ट करते हैं। ये इसका इसका स्टाइलिश फ्रॉम लैंप्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलता है क्रोम फिनिशिंग, यहाँ पे मिलती है आपको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में आपको ये ब्लू जो कलर दिखता है आपको यहाँ पे। और यह है इसकी स्मार्ट की जो आपको मिलता है बूट स्पेस ओपन की, लॉक एंड अनलॉक की और टोयोटा का साइन विद फॉर्च्यूनर कार। ये इसकी स्मार्ट डीजल की जो आपको बताती है अलार्म सेटिंग से साथ। ये इसका इंटीरियर, ये इसका रियर इंटीरियर जो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कितने शानदार लुक देती है ये। यहाँ मिलता है आपको यहाँ पे आपको एक जो इसमें आपको चढ़ने के लिए आपको मिलता है यहाँ पे फुट स्पीड स्टेप बोला जाता है इसको। और यहाँ मिलता है आपको लुक दोस्तों। इसकी बात की जाए टायर की बात की जाए यहाँ पे आपको सब दिखा रहा हूँ। ये इसका अपर लेयर और स्मॉल लेयर। इसके सर्कल की बात की तो ये बाहरी रास्ते को देखिए कितने उछल के आसान से पार कर लेती है, दशके का तो महसूस होता ही नहीं है। और हम इसकी बात करें रोडों पर देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पर हम बात की जाए इसका ब्रेक भी बहुत हाई स्पीड ब्रेक है और ये ऐसे मुश्किल रास्तों को बहुत अच्छे इसका टेस्ट किया गया था कि ब्रेक का टेस्ट कैसा है, फीचर में इसका कैसी परफॉर्मेंस है, हाई रोड पर इसकी कैसी है, हाईवे पर इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, सिटी में इसकी कैसी परफॉर्मेंस है और वाटर के अंदर कैसी परफॉर्मेंस, जो सबसे ज्यादा मायने रखी जाती है वाटर
मीटर में बात किया था, इसके मध्य आप जैसे देख सकते हैं कि इसके टायर के तक ही सिर्फ पानी छू रहे हैं, उसके ऊपर तो कहीं का कोई नाता बनता है ही नहीं। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे कि देखिए पूरा एकदम बोर्ड जैसे चल के निकल गई, लगता ही नहीं मछली से तेलती है, ऐसे चले गई और रोड पे तो एकदम घोड़े से भाग रही है जैसे आप देख रहे हैं। ये देखिए उछल उछल जा रही, उछल उछल जा रही, उछल उछल जा रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसकी सेकंड लेयर की बात की जाए, इसके इंजन की बात की जाए, इंजन इसका बहुत हाई स्पीड इंजन दिया गया है, इसका बहुत पावरफुल इंजन दिया गया है। और ये देखिए इसका स्मार्ट, और ये देखिए ये इसका स्पीड टेस्ट जो सबसे तेजी से और सबसे आसानी से सबसे बड़े बड़े रास्तों को पार कर लेती है। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों जाने से आने इसको लोगों के साथ शेयर करिए। और हर चैनल का आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।